हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये अपने जीरो और एक नंबर कान्हा जी के लिए ये पूरा सूट तैयार किया था। इसमें हमने कैप विद मफलर, जैकेट, कुर्ता और ये पजामी बनाई थी। कुर्ता और पजामी की जो वीडियो है हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपको ये जैकेट, देखिए ये जैकेट इसकी बैक साइड है और ये मफलर, इसमें हमने कैप लगाई है, ये बनाना बताएंगे कि हमने कैसे बनाया। देखिए छोटे से कान्हा जी के लिए छोटी सी ड्रेस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, बनाने में इंटरेस्टेड है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाना शुरू करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ता पजामा जो हमने बनाया है, ये देखिए। अब हम इसके मैच की जैकेट बनाएंगे। और ये जैकेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 16 फंदे डाल लिए। ये देखिए 16 फंदे डालकर हमने चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, दोनों साइड से उल्टी ही बनाई और हमने ये कंप्लीट कर ली। अब हम ये पांचवी सिलाई बनाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए दो फंदे हम बॉर्डर के उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर हम ये बुनाई डालेंगे। देखिए बुनाई डालने के लिए हम सबसे पहले फंदा जो है सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी साइड लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड लेंगे, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने बुनाई के फंदे डाले। अब ये दो फंदे हमारे बच गए, एक फंदा हम ये उल्टा बना लेंगे और ये लास्ट वाला फंदा जो है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे की साइड करके। देखिए अब ये इसकी उल्टी सिलाई है, पूरी सिलाई हम उल्टी ही बुन लेंगे। इस तरीके से बुनकर ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये बॉर्डर से ऊपर हमने दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। अब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए पिछली सिलाई में हमने ये फंदा सीधा बनाया था, इस सिलाई में हम इसको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये फंदा ये देखिए उल्टा था, इसे हम सीधा बना लेंगे। जो फंदे सीधे हैं उन्हें उल्टा बना लेंगे और जो उल्टे हैं उन्हें हम सीधा बना लेंगे। इसी तरीके से सिलाई तीसरी कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट के दो फंदे हैं बॉर्डर के, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे और एक फंदा धागा पीछे करके ऐसे ही उतार लेंगे। इससे किनारे अच्छी बन जाएगी। ये देखिए उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर बनाकर हमने चार सिलाइयाँ ये डिजाइन की इस पर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम ये पांचवी सिलाई बनाएंगे, दो फंदे बॉर्डर के उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, जो सीधा है इसके ऊपर हम उल्टा बनाएंगे और उल्टे के ऊपर हम सीधा बना लेंगे। चार सिलाइयाँ पहले बना चुके हैं, इस तरीके से हम चार सिलाइयाँ और बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। ये देखिए अभी तक ये 1.5 इंच नहीं हुआ है, हमें ये 1.5 इंच करना है। तो यहाँ पर हम चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे, उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी, चार सिलाइयाँ इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये 1.5 इंच इसकी लेंथ हो चुकी है।
हम ये 6 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तीन, चार, पाँच और ये 6, 6 फंदे हो गए। 4 फंदे हम बीच में घटा देंगे, एक टाइट हमें नहीं घटाना है, दो, तीन और ये 4, 4 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए, 6 फंदे यहाँ पर हैं और 6 फंदे ये यहाँ पर। तो देखिए ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस तरीके से लास्ट वाला फंदा हम उतार लेंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। धागा पीछे करके लास्ट वाला फंदा ऐसे ही उतारना है। ये देखिए इस सिलाई में हम 6 फंदे नहीं 4 फंदे बुनेंगे। 3, ये 4, 2 फंदे जो बॉर्डर के हैं इन्हें हम नहीं बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहीं से हम टर्न लेंगे, 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए इस सिलाई में ही हम 4 फंदे जो हैं ये भी बुनेंगे और 2 फंदे और, ये 6 के 6 फंदे हम बुन लेंगे, 4, 5 और ये लास्ट वाला 6। इस सिलाई में हमने 6 फंदे बना लिए। ये उल्टी सिलाई है, सारे फंदे हम बुन लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर देखिए ये 4 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली। अब हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बनाएंगे सीधी, 2, 3 और ये 4, 4 फंदे ही हम बुनेंगे, ये 2 फंदे नहीं बुनेंगे, यहीं से हम टर्न लेंगे। ये देखिए 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी हो गई। अब ये तीसरी सिलाई सीधी बना लेंगे, 2, 3, 4, ये 2 फंदे भी हम बुन लेंगे। यहाँ पर ये धागा हम टाइट रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर गैप रह जाएगा। देखिए लास्ट वाला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और उल्टी सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए ये सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर उल्टी सिलाई बनाएंगे। इस सिलाई में हम ये 4 फंदे ही बनाएंगे, 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे ये उल्टे बना लेंगे। ये देखिए ये जो धागा पीछे करके ये फंदा मैं ले लेती हूँ, ये इस तरीके से किनारी ऐसे बन जाती है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग यहाँ पर है। ये देखिए अब हम फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे। इस सिलाई में हम सारे फंदे बना लेंगे, यहाँ पर ये देखिए गैप ना रहे तो इसलिए ये धागा टाइट रखेंगे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। उल्टी सिलाई में इसे हमें ज़रूर बुनना है और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। ये देखिए 2, ये अगर उल्टी उल्टी देखें तो ये 2 सिलाइयाँ हो गई, टोटल ये 4 सिलाइयाँ हो गई। अब 4 सिलाई हम उल्टी उल्टी और बनाएंगे।
इस सिलाई में हम ये चार फंदे ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और चार फंदे ही वापस उल्टे बना लेंगे। देखिए फिर से हम चार फंदे ये और दो इससे आगे वाले छः के छः फंदे बना लेंगे और यहाँ धागा हम टाइट रखेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार, उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। देखिए ये इसकी जो इसको इस तरीके से हम सिलेंगे तो हमें देखना है अभी एक दो सिलाई शायद और बनानी होगी। हम दो सिलाई और बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पर दो सिलाइयाँ सीधी बनाएंगे। चार फंदे ही बनाएंगे, यहीं से हम टर्न लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ लगाकर नाप कर देखते हैं, क्योंकि ये ऊपर नहीं निकलनी चाहिए यहाँ से और ज़्यादा नीचे भी नहीं जानी चाहिए। देखिए ये दो सिलाई हमने सीधी बना ली, अब तीसरी सिलाई में ये सारे फंदे हम बना लेंगे। ये चार फंदे और ये दो फंदे, ये देखिए। अब हम यहाँ पर ये फंदे घटा लेंगे। फंदे हम नॉर्मल घटाएंगे, ना ज़्यादा टाइट और ना ही लूज। दो का एक बना लिया, फिर वापस सिलाई में लिया, फिर दो का एक, फिर वापस सिलाई में। इस तरीके से इसको हटाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक इसको आना है और ऐसे यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे और ये इसका मुड़ा। तो ये तो बन गई है परफेक्ट। अब हम इस साइड की बनाएंगे। देखिए ये धागा हमने कट कर लिया, धागा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे जो सिलाई में ये काम आएगा। ये देखिए अब हम यहाँ से धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने धागा ज्वाइन कर लिया है। अब हम ये दूसरा जो पोर्शन है इसका वो बनाएंगे। यहाँ पर ये चार फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहीं से हम टर्न लेंगे। ये चार फंदे ही हमें बनाने हैं, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर धागा इस साइड ले आए हम, ये देखिए, और इस सिलाई में हम ये सारे फंदे बना लेंगे। यहाँ पर गैप ना रहे तो ये देखिए ये फंदा हम टाइट हाथ से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे इस तरीके से हम। ये देखिए अब हम यहाँ पर सीधी सिलाई बनाएंगे। ये फंदा दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये बॉर्डर के फंदे हैं, धागा पीछे करेंगे और ये फंदे हम जो चार फंदे हैं उनको हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे और हमें यहाँ पर ये चार फंदे ही बनाने हैं। ये देखिए फिर यहीं से हम टर्न लेंगे और ये चार फंदे हम सीधे बना लेंगे। तीन फंदे ही बनाने हैं, बल्कि लास्ट वाला तो हम ऐसे उतारेंगे। उल्टी सिलाई में हम इनको उल्टा बना लेंगे।
ये फंदे भी बनाने हैं, राइट हाथ से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इसको हम बना चुके हैं, ये वाला पार्ट। अब ये यहाँ से ऊपर जो है, जैसे हमने यहाँ बनाया सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे, इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये एक साइड से हमने इसको बना करके सील दिया है, अब ये दूसरी साइड से सीलेंगे। अभी देखिए इसको कैसे सीलना है। ये जो सीधा पार्ट है इसका, इसको हम अंदर लेंगे। देखिए यहाँ से ये वाला कोना यहाँ पर मिलाएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ से घटाई इसकी हमने की थी, तो ये यहाँ पर इसको सिलेंगे। तो इस तरीके से मुठ्ठा तैयार हो जाएगा। यहाँ से इसकी सिलाई हम करेंगे। देखिए हर एक फंदे से हमें, दोनों फंदे से मतलब फंदा मिलाना होगा यहाँ पर। धागे को हमने कट किया था, इसे भी हम इसी सिलाई के अंदर ले लेंगे। देखिए ये हमारी कान्हा जी के लिए छोटी सी जैकेट बनकर तैयार है। इसकी बैक साइड अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मफलर बनाने के लिए ये 52 फंदे डाल लिए हैं, और 52 हमने फंदे सिंगल धागे से ही डाले हैं। ये देखिए अब हम ये पहली सिलाई उल्टी बना लेंगे। देखिए ये पहली सिलाई हम पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। हमने सीधी साइड से उल्टी सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम ये उल्टी सिलाई बनाएंगे और यहाँ पर ये कलर चेंज करेंगे। हम ये मफलर और कैप दो कलर से बनाएंगे। जैकेट कुर्ता पाजामा हमने दो कलर से बनाए हैं, तो इसमें हम ये दोनों कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इस धागे के हम नोट लगा देंगे इस तरीके से, और ये सिलाई इधर से भी हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। ये दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड। देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये दो सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, अब ये तीसरी सिलाई है, और ये तीसरी सिलाई भी हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये तीन सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर ये चौथी सिलाई बनाएंगे, और इसमें हम ये वाला कलर पहले वाला ही लगाएंगे, और सारी सिलाई हमें इसमें उल्टी उल्टी बनानी होगी।
ये देखिए ये चौथी सिलाई भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये चार सिलाइयाँ हमने कंप्लीट यहाँ पर कर ली हैं। अब हम पांचवी सिलाई बनाएंगे और ये सिलाई भी हमें उल्टी ही बनानी है। देखिए इस तरीके से ये पांचवी सिलाई बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये पांच सिलाइयाँ हम बना चुके हैं। अब हम ये छठी सिलाई बनाएंगे और इसमें हम ये फंदे घटाएंगे। हमें यहाँ पर ये 18 फंदे घटाने हैं। ये देखिए दो फंदे का एक करेंगे, वापस फंदा सिलाई में लेंगे, फिर दो का एक करेंगे, दो फंदे घट गए, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये 18 फंदे हमने घटा लिए। अब हम यहाँ पर 16 फंदे बुन लेंगे। एक फंदा हमारा सिलाई में है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये 16 फंदे हो गए। अब 18 फंदे ये बचे हैं, अब हम ये घटाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये लास्ट वाला फंदा 18। देखिए ये फंदे हमने घटा लिए। अब हम ये धागा तो कट कर लेंगे और यहाँ पर ये कैप बनाएंगे। देखिए दोनों साइड से हमने ये 18 फंदे घटा दिए हैं। अब हम यहाँ पर फंदे गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये फंदे कैप के। अब हम कैप बनाएंगे और ये फंदे हम दूसरी सिलाई में उतार लेंगे क्योंकि हमें इसमें कलर दूसरा लगाना है उल्टी साइड से और ये सीधी साइड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये ग्रीन कलर लगा लेंगे। देखिए ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। एक फंदा छोड़ देंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे।
ये दूसरी सिलाई, ये भी उल्टी बनाएंगे। जितनी भी सिलाई बनेगी इसमें दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनेंगी। देखिए लास्ट वाला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। ये दो सिलाइयाँ हो गई, तीसरी सिलाई देखिए, और ये चौथी सिलाई। चार सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम ये पांचवी सिलाई बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे। ये छठी सिलाई, देखिए छह सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली। अब हम ये सातवीं सिलाई बनाएंगे। देखिए और ये आठवीं सिलाई। देखिए आठ सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। आठ सिलाइयाँ हमने बना ली है। ये देखिए ये जो धारियाँ हैं ये हम गिन लेते हैं, एक दो तीन चार। ये दो सिलाई में एक धारी बनेगी, तो ये आठ सिलाइयाँ हमारी हो गई। अब ये नवी सिलाई में हम ये जो कैप है इसको बंद करेंगे। तो हम यहाँ पर आधे फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ फंदे हमने बना लिए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हमारे यहाँ पर रह गए। तो इस तरीके से इसको सीधी साइड को हम अंदर लेंगे, ये देखिए, और ऐसे हम मोड़ लेंगे। देखिए अब हम इसे तीसरी सिलाई की हेल्प से बंद कर देंगे। एक फंदा ये इस सिलाई से लेकर दूसरी सिलाई में डालेंगे और यहाँ पर ये दो फंदों का एक बना देंगे। फिर ये फंदा इस सिलाई में डालेंगे और ये वाला भी डालेंगे और ये तीन फंदे हम एक साथ बना लेंगे। ये फंदा इस सिलाई से लेंगे, एक इस सिलाई में डालेंगे और ये वाला भी डालेंगे और एक इस सिलाई से, टोटल तीन फंदे हम एक साथ बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे।
धागा हम यहाँ पर कट कर लेंगे। थोड़ा सा धागा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसे फिर हम अंदर की साइड एडजस्ट हम कर देंगे क्रोशिया से। देखिए ये हमारे छोटे से नन्हे से कान्हा जी के लिए मफलर है। पहले हम इसकी थोड़ी सी यहाँ से फिनिशिंग कर दें, ये धागे वगैरह इसके एक्स्ट्रा जो है कट कर दें। देखिए ये सीधी साइड से, अब हम इसमें पहले थोड़ी सी आउटलाइन कर लें यहाँ पर क्रोशिया से। यहाँ पर ये दो चेन हम बना लेते हैं, धागा इसी के नीचे हम रख लेंगे। और ये देखिए ऐसे हम हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर कर लेंगे। देखिए हर एक फंदे में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए अभी धागा हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। और इस धागे को हम अंदर की साइड इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। देखिए और ये धागा जो एक्स्ट्रा बच गया इसे हम कर देंगे कट। देखिए ये किनारी बनने के बाद और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम इसके यहाँ पर देखिए पोम पोम लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इसको कान्हा जी जो है पहनेंगे और यहाँ पर भी हम पोम पोम लगाएंगे दोनों साइड। देखिए पोम पोम बनाने के लिए हम इस तरीके से धागे काट लेंगे और यहाँ पर ग्रीन कलर का है तो ग्रीन का, और ये देखिए जिस कलर से हमने बनाया है उसी कलर के हम यहाँ पर पोम पोम लगा लेंगे। क्रोशिये से इस तरीके से हम इसको निकाल कर ये देखिए और यहाँ पर ये इसमें हम नोट लगाएंगे। देखिए दोबारा से करके दिखाते हैं, निकाल लिया। अब हम ये दोनों जो है धागे इसमें को निकाल कर और ये नोट लगा देंगे इस तरीके से। ये अब ग्रीन कलर का हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मफलर ये कैप कान्हा जी के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरीके से कान्हा जी इसको पहनेंगे और पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। देखिए पीछे से तो देखिए हमने आज क्या क्या बनाया। देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों चीज़ मफलर विद कैप और ये जैकेट तैयार कर ली है अपने छोटे से कान्हा जी के लिए। फ्रेंड्स आप भी बनाइए, कान्हा जी को पहनाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।